थिंक मैं 6-7 साल से छोटा मोटा कुछ फैसिलिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ. मेजरली मैंने स्कूल टीचर्स के साथ काम किया है और कुछ ऑफिस के कलीग्स के साथ काम किया है. जब ये वर्कशॉप मैंने पहली बार एज अ पार्टिसिपेंट किया 2004 में, फिर 2005 में, फिर 2008 में, तब आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट. तो मैं जो इंस्ट्रक्शन देते थे फॉलो करता गया. चेंजेस, रिजल्ट्स सब महसूस करता गया. एंड धीरे धीरे एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस कि मैंने ऐसा क्या किया है कि सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए. सो अंदर से आ गया था, बट एक्चुअली हिम्मत नहीं थी शिवाबेन को बोलने की कि मुझे करना है. बिकॉज अगर आप टेबल के ये साइड आके सोचने की कोशिश करोगे तो इट इज अ वेरी स्कैरी जॉब. आपने कुछ गलत समझ लिया और गलत डायरेक्शन दे दी तो पोटेंशियली आप किसी के लाइफ को गलत रास्ते पे जा सकते हो, ले जा सकते हो. बट एज ऑलवेज शिवाबेन हैड टेरिफिक ओके टेरिबल उनको इतना विश्वास था मेरे पे एंड शी वॉज द वन टू पुश मी इनटू दिस. एंड पहली बार जब किया तब बहुत अच्छा लगा. एक तरह का फीलिंग आता है कि मैं किसी की लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को हेल्प हो रही है. इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज व्हेन यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू आर टीचिंग इट पिंचेस, बहुत बुरा पिंच करता है. तो स्टार्टिंग में होता था ऐसा, मैं कुछ बताता था, कुछ इंसिडेंट्स भी तोड़ मरोड़ के बताता था जस्ट टू ग्लोरीफाई क्या हुआ था. बट वो पिंच करता था कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, ये क्यों कर रहा हूं. तो बेनिफिट ऑफ डूइंग वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर इज कि पहले तो वो सब चीज की धज्जियां उड़ा देता है. बिकॉज अदरवाइज यू कैन नॉट लुक इन टू पीपल्स आईज. अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो वो एक बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार ये तो लाइफ टाइम करने वाली चीज है. देयर इज अ सेल्फिशनेस एसोसिएटेड टू इट. फिर दूसरा वेरी स्ट्राइकिंग थिंग रियलाइजेशन ऑफ फैसिलिटेशन वॉज आफ्टर एवरी फैसिलिटेशन वो एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं. फीडबैक फॉर्म भर के दिए नहीं, घर जाके पूरा बैठना पढ़ना कि कितना अच्छा लिखा है मेरे बारे में. नाउ पहले 2-3 बार जब फैसिलिटेशन किया तब जाके ये पढ़ा, बहुत अच्छा लगा. मम्मी को दिखाया, ये क्या देखो तेरा बेटा ऐसा कर रहा है. प्रोफेशनली आई एम एन आर्किटेक्ट एंड आई एम पैशनेट एंड काइंड ऑफ अ वर्कहोलिक आर्किटेक्ट. तो उसमें से मैं इतना टाइम सेक्रीफाइस करके ये कर रहा हूँ, देखो कितना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, देखो लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में. देन देयर वाज अ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन कि मैं क्यों कर रहा हूं, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द रोड्स लेड टू ग्रेटिफिकेशन कि अल्टीमेटली लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे इसलिए करना चाहिए ये. एंड देन आई रियली काइंड ऑफ हैड अ डिप्रेशन कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए. And it was a struggle I didn't share with anyone. But eventually, what time does nobody else can do? You keep on pondering. Sochta gaya. One day it just dropped off. Ki nahi, isliye nahi karna chahiye. So first to guilt nikal gaya. सेकेंडली ग्रेटिफिकेशन निकल गया. तीसरा चीज आता है इंटीग्रिटी का, आता है विच वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट.
बहुत सारी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं, टाइम पे आओ, ये करो, खुद जब नहीं कर पाते तो डिफिकल्ट हो जाता है. दिस इज स्टिल माई स्ट्रगलिंग जोन, आई हैव नॉट गॉट ओवर इट, पर मुझे लग रहा है कि होगा, ये भी होगा. बट ये सब करने के साथ जो एक सेंस ऑफ पर्पस लाइफ में आता है, बियॉन्ड वन पॉइंट एक्चुअली पता नहीं चलता है कि हु इज गिविंग एंड हु इज रिसीविंग. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग फैसिलिटेटर फॉर मी.